नमस्कार, राम राम। यूट्यूब के पब्लिक व्यूज न्यूज लीक से हटकर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में आगजनी की एक ऐसी घटना घटी जिसके बारे में सोचकर सिहरन पैदा हो जाता है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक गोवंश पालक भृगुनाथ सिंह के यहाँ किन्हीं कारणों से आग लग गई, जिसमें एक गाय तथा उसके दो बछड़े समेत तीन गोवंश जलकर काल के गाल में समा गए तथा एक गाय अर्ध रूप में जल गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि स्थानीय लेखपाल अविनाश कुमार सिंह को 20 बार फोन लगाने पर भी उनका फोन नहीं उठा। आइए देखें। अब गोवंश पालक के जुबानी सुनिए कि घटना कैसे घटी और क्या क्या क्षति हुआ है तथा गोवंश पालक ने योगी सरकार से मदद की गुहार भी लगाई है। आइए सुने। ये कौन सा गांव है? वार्ड नंबर 3। आपका नाम? भृगुनाथ सिंह। आप? मारकंडे। मारकंडे सिंह। क्या हुआ है यहाँ पे? आग लगा हुआ है। आग लगा हुआ है। आग लगा हुआ है। क्या हुआ है उसमें? तीन गो गाय जरल बड़ी सर। तीन गो गाय जर गई बड़ी सर। और का नुकसान भइल बा? पांच बोरा जौ जरल बा। पांच बोरा जौ और दो बोरा चोक और दो बोरा कपिला। अच्छा। टीवी जरल 120 क्विंटल भूसा जरल बा। 120 क्विंटल भूसा। अच्छा। प्रशासन के तरफ से का सहयोग मिलल है? कुछ ना प्रशासन तो यहाँ आयल हूँ नहीं। अच्छा, फोन भइल जवन की थाना के जाने के बाद नगर पंचायत थाना के जरी घर बटे खाली 500 मीटर पर तब भी प्रशासन आयल नहीं। प्रशासन में स्पेशली लेखपाल के का भूमिका बा? अभी लेखपाल जी सही रहले हैं? लेखपालो कहाँ आयल हूँ, भतीजा उठैला पर फोन ना उठैल। अच्छा अच्छा, लेखपाल ठीक। वहां उपस्थित जन समूह में प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि घटना रविवार के दोपहर 3 हुई। प्रशासन का कहीं भी अता पता नहीं था। लगभग 3 बाद आनंद फानंद में प्रशासन के लोग आए और खाना पूर्ति करके चले गए। 3-4 के बाद लगा जब सारा कुछ जलकर खाक हो गया है और देखिए अभी प्रशासन के लोग दिख रहे हैं। अभी तक इन लोगों को लगता है कि इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। संवेदनहीनता को क्या कहा जाए। मित्रों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें तथा कमेंट करके इस गोवंश पालक भृगुनाथ सिंह की बात को सरकार तक पहुंचाएं। जय हिंद।